हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जस्ट फॉर यू चैनल। और आज मैं आपके सामने अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ बेबी पांडा मैजिक टॉय कार। और ये जो टॉय कार है बहुत ही अच्छा है, कोई भी बैटरी की ज़रूरत नहीं होते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको कहना चाहता हूँ, 3+ ages अगर आपका किड्स है तो उसके बाद ही उसको दीजिए, नहीं तो नहीं दीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं। और 3+ ages के पहले अगर आप इसको आपका जो बच्चा है उसको अगर देना चाहते हैं बच्चों को, तो प्लीज़ आप उसका केयर ज़रूर लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं, कोई भी एक्सीडेंट वगैरह हो सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से मैं बॉक्स को ओपन कर लेता हूँ। और इसको मैंने अमेजोन से परचेस किया है, तो फ्रेंड्स अनपैक हो गया है और यह बॉक्स। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है मैजिक बेबी पांडा रियल एक्साइटमेंट। और यहाँ पे हाउ टू असेंबल, कैसे आपको इसको असेंबल करना है, और टोटली पूरा डिटेल्स आपको यहाँ पे दिया गया है। तो आप इसको देख के, इंस्ट्रक्शन पढ़ के आप इसको असेंबल कर सकते हैं, और बहुत ही आसान है इसको असेंबल करना। और चलिए फ्रेंड्स, तो मैं बॉक्स को ओपन करता हूँ, दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बॉक्स के सामने यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ कार का यहाँ पे शो कर रहे हैं, कार का तस्वीर है। और यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं 3+ ages जो किड्स है उसके लिए इसको रिकमेंड कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पे दिया है, 180 degree टर्न ऑन बोथ साइड, नो टर्क, नो फोर्स रिक्वायर्ड वाइल मूविंग। यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे एफोर्ट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट्स, बहुत कुछ यहाँ पे है और बहुत ही स्मूथ है, कोई भी किड्स इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बॉक्स को जल्दी से मैं ओपन करता हूँ और दिखाता हूँ कि बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या मिलते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं, यहाँ पे बॉक्स ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या मिलते हैं मैं आपको थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक रॉड आपको मिल जाते हैं जो आयरन का है और बहुत ही एकदम मतलब बहुत ही वेटी है। और यहाँ पे आपको फ्रंट व्हील आपको मिल जाते हैं जिसका क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और फ्रेंड्स उसके साथ यहाँ पे आपको मिल जाते हैं जो स्टीयरिंग है, जो हैंडल है वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। और यहाँ पे आपका लाइट्स यहाँ पे जलेगा और म्यूजिक होगा। और यहाँ पे साइड पे आप कुछ नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको बैटरी से आपको ज़रूरत होगा, 2 pencil batteries आपको यहाँ पे लगेगा और यहाँ पे लाइट जाएगा। और यहाँ पे स्विच है जो आपको म्यूज़िक को चेंज करने के लिए यहाँ पे आप प्रेस कर सकते हैं, तो आपका किड्स प्रेस करेगा। और फ्रेंड्स उसके साथ यहाँ पे आपको एक फोम का कवर दे रहे हैं, और उसके साथ यहाँ पे एक कैप दे रहे हैं जो आपका स्टीयरिंग के ऊपर यहाँ पे लग जाएगा। यही कुछ चीज़ आपको यहाँ पे दिया गया है। और फ्रेंड्स उसके साथ यहाँ पे आपको पीछे जो 2 right and left side का जो व्हील है वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। इसका भी क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, गुड प्लास्टिक का है और बहुत ही मजबूत है फ्रेंड्स। इसको आप मतलब जितना वेट है, मतलब 14 kgs का उससे ज़्यादा अगर वेट है तो कैरी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसके बाद मैं बात करता हूँ यहाँ पे आपका जो मेन जो कार है उस कार का बॉडी का बारे में। तो बॉडी भी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सख्त है, इसका वेट भी बहुत ही ज़्यादा है, प्लास्टिक मटेरियल है लेकिन ABS क्वालिटी का गुड प्लास्टिक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो क्वालिटी है बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पे फिट करना, मैं कैसे आपको फिट करना है मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। और यहाँ पे पैर रखने का जगह है, और यहाँ पे हैंडल पकड़ने का जगह है, और यहाँ पे बैठने का जगह है, तो यही चीज़ है। और यहाँ पे स्टिकर वगैरह लगा हुआ है, तो यही कुछ चीज़ आपको यहाँ पे बॉक्स के अंदर आपको मिल जाते हैं। तो बहुत ही अच्छा है फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको असेंबल करके मैं दिखा देता हूँ, कोई इसको असेंबल करना बहुत ही आसान है और बहुत ही क्विकली आप इसको असेंबल कर सकते हैं। यहाँ पे पूरा इंस्ट्रक्शन आपको दिया है, तो आप उसको भी पढ़ के आप यहाँ पे असेंबल कर सकते हैं। तो यहाँ पे बैक साइड का जो 2 wheel आपको यहाँ पे दिया है राइट एंड लेफ्ट का, उसको मैं पहले यहाँ पे लगा देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे जो 2 screw आपको दिया है बैक साइड व्हील के लिए, तो ये 2 screw को आपको यहाँ पे टाइट करना होगा। उसके लिए फ्रेंड्स एक स्क्रू ड्राइवर का आपका ज़रूरत होगा, तो मैं यहाँ पे जल्दी से इसको टाइट करके मैं यहाँ पे फिट कर देता हूँ। और उसके बाद आपको यहाँ पे फ्रंट व्हील लगाना होगा। तो यहाँ पे फ्रंट व्हील लगाना भी बहुत ही आसान है, थोड़ा बहुत आपको ट्रिकी यहाँ पे पार्ट है, ट्रिकी पार्ट है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो आयरन का जो रॉड दिया है उसको आपको यहाँ पे जो नाट है इसको आपको खोलना पड़ेगा, उसके बाद इसको यहाँ पे फिट करना पड़ेगा ऐसे तरह जो जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे फिट करना बहुत ही आसान है, ज़्यादा आपका परेशानी नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे जो नाट है उसको फिर से आपको यहाँ पे टाइट कर देना होगा। और उसके बाद यहाँ पे मेरा थोड़ा बहुत गलती हो गया था, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे फोम का जो एक आपका ग्रिप दिया है तो उसको मैं बाद में इसको सेट किया है, तो ऐसा तरह इसको आपको यहाँ पे सेट करना होगा और ऐसा तरह यहाँ पे फिट करना होगा। और उसके बाद बढ़िया आते हैं यहाँ पे आपका स्टीयरिंग के, तो स्टीयरिंग आपको यहाँ पे ऐसा तरह यहाँ पे फिट कर देना होगा।
और इसको फिट करना बहुत ही आसान है। थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे प्रेशर देना होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे प्रेशर डाल रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ पे जो नाट दिया गया है उस नाट को यहाँ पे वॉशर डाल के यहाँ पे इसको आपको टाइट देना होगा। तो यहाँ पे जो टूल आपको दिया है नाट को टाइट देने के लिए, तो उस टूल को यूज़ करके आप यहाँ पे नाट को टाइट दे सकते हैं। और अभी यहाँ पे जो कैप दिया है, इस कैप को यहाँ पे स्टीयरिंग के ऊपर आपको लगा देना होगा। और उसके बाद यहाँ पे आते हैं यहाँ पे स्टीयरिंग का जो देखिए यहाँ पे स्टीयरिंग आपका लाइटिंग होगा, तो इसके लिए यहाँ पे दो पेंसिल बैटरीज की ज़रूरत होते हैं। तो यहाँ पे स्टीयरिंग के पीछे आपको दो पेंसिल बैटरी का जो केस है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। तो और ये स्क्रू के साथ यहाँ पे टाइट रहते हैं, जुड़े रहते हैं, तो इसको आपको निकालना पड़ेगा और दो पेंसिल बैटरीज यहाँ पे इंसर्ट करना होगा। और उसके बाद यहाँ पे इसको फिर से आपको फिट कर देना होगा। और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइटिंग चल रहे हैं और म्यूज़िक भी हो रहे हैं, लेकिन ये म्यूज़िक मैं सुना नहीं सकता हूँ क्योंकि यूट्यूब का कुछ प्रॉब्लम आ सकते हैं, यहाँ पे कॉपीराइट के इशू आ सकते हैं, इसके लिए यहाँ पे सुना नहीं सकता हूँ। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे मैं एक चीज़ में आपको कहना चाहता हूँ, यहाँ पे किड्स सॉन्ग जो होते हैं, कार्टून सॉन्ग्स जो होते हैं, यूट्यूब पे अगर सर्च करेंगे यूट्यूब किड्स कार्टून सॉन्ग, तो वहाँ पे जो जो पॉपुलर सॉन्ग आ जाते हैं, जैसे कि आपका जॉनी जॉनी, क्या आपका जिंगल बेल्स, क्या आपका ट्विंकल ट्विंकल, तो ये सब जितना सारा आपका आते हैं उन सभी कार्टून सॉन्ग्स यहाँ पे दिया गए हैं। तो यहाँ पे आप इस बटन को प्रेस करके आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो ये भी बहुत ही अच्छा है और किड्स को ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए मैं देखता हूँ मेरा किड्स को इसको खेलने देता हूँ और देखता हूँ मेरा किड्स कैसे खेलता है। फ्रेंड्स मेरा किड्स तो बहुत ही पसंद किया है इसको, आपने देखा है। और इसका जो क्वालिटी की बात करता हूँ तो इसका बिल्ड क्वालिटी बहुत ही मजबूत है, तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगा इसको। अगर आप खुद आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो खुद भी बैठ सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं होते हैं। थोड़ा बहुत यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकते हैं, लेकिन मैं भी एक बार टेस्ट किया था। और फ्रेंड्स इसको अगर परचेस करना चाहते हैं तो मेरा वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक में शेयर कर रहा हूँ, वहाँ पे क्लिक करके आप इसको परचेस कर सकते हैं। तो इस वीडियो पे फ्रेंड्स इतना ही। इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और जरूर कमेंट्स कीजिए। और फ्रेंड्स मेरा चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर जरूर क्लिक कीजिए। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो पर आपके साथ फिर से हाजिर हूँगा, तब तक के लिए गुड बाय।